तो दोस्तों आज मेरे पास एक 9 वाट की एलईडी बल्ब रिपेयर होने के लिए आया है। आप लोग देख सकते हो इसमें जो प्रॉब्लम है उसको मैंने सबसे पहले इसको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो MCPCB प्लेट है इसमें जो छोटे छोटे SMD लाइट है ये हमारा बहुत ही हल्का हल्का ग्लो कर रहे हैं, यानी कि हमारा घर में जो जीरो पावर की बल्ब होता है वो जितना लाइट देता है ये उससे भी कम लाइट दे रहा है, बहुत ही हल्का ग्लो कर रहा है। ये जितना तेज़ी से ग्लो करना चाहिए उतना ग्लो नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का हम सल्यूशन ढूंढ के निकालेंगे और इसको रिपेयर करके आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका डिफ्यूज़र को रख देता हूँ और ये LED बल्ब को हमारा सर्किट बोर्ड में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा LED बल्ब लग गया है, तो चलिए मैंने इसको पास में लाता हूँ और यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हल्का हल्का ग्लो कर रहा है और जलता बुझता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से। यहाँ पर मैंने आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो, देख लीजिए बहुत ही हल्का ग्लो कर रहा है। तो इस प्रकार के अगर आपका प्रॉब्लम आता है तो कैसे रिपेयर करेंगे आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मल्टीमीटर को लेना है। ये देख लीजिए ये हमारा मल्टीमीटर है, इसका आपको 200 वोल्ट DC में सेट करना है। तो इस प्रकार से सेट कर लीजिए, उसके बाद इसको रख लीजिए। तो अभी मैंने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को ले रहा हूँ और यहाँ पर मल्टीमीटर को अच्छी तरीके से रख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा बल्ब में जो दो वायर जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव में हम रेड प्रोब को लगाएंगे और हमारा जो ब्लैक कलर की वायर है वो हमारा नेगेटिव होता है उसमें हम ब्लैक कलर की प्रोब को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा लगभग 100 वोल्ट आ रहा है, जितना वोल्टेज यहाँ पर हमारा आना चाहिए वो सही तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा दिक्कत है ये MCPCB में, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे SMD लगा हुआ है इनमें से कोई एक SMD खराब हुआ है, जिसकी वजह से हमारा सारे LED ग्लो नहीं कर रहे हैं, और ग्लो कर रहे हैं तो हल्का हल्का ग्लो कर रहे हैं, जलते बुझते हैं, उस प्रकार की प्रॉब्लम आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को साइड में रखता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद मैंने एक चिमटी ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो वीडियो में, और इसके चारों तरफ मैंने टेप लगा लिया हूँ ताकि इसको छूने में हमें करंट नहीं मरेगा। और इसका जो दोनों नुकीले साइड होते हैं यहाँ पर आपको टेप नहीं लगाना है क्योंकि हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा LED बल्ब में इस प्रकार के छोटे छोटे SMD लाइट होता है इनका दोनों साइड हमारा इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, देख सकते हो यहाँ पर वीडियो में फोकस हो रहा है शायद। तो इन दोनों साइड में आपको कुछ इस प्रकार से ये चिमटी को लगाना है। तो देख लीजिए ऐसे आप सभी SMD LED में लगाते रहिए, जिस भी SMD LED में लगाने के बाद हमारा टोटल LED बल्ब ग्लो करेगा वो SMD हमारा ख़राब होगा। तो देख लीजिए मैंने इसी प्रकार से यहाँ पर सभी में लगा रहा हूँ, तो देख लीजिए ये वाला SMD हमारा ख़राब है क्योंकि इसी में ही हमारा चिमटी लगाने के बाद ये सारे LED ग्लो करने लगे हैं। तो ये वाला जो छोटा सा SMD LED है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से कैसे चेंज करके और एक नया SMD LED लगाया जाता है अगर आपको पता नहीं है तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पर ये टोटल MCPCB को चेंज कर दूँगा। तो मेरे पास एक नया MCPCB है तो मैंने इसको यहाँ से हटा दूँगा, दोनों स्क्रू को निकाल दूँगा और यहाँ पर दोनों वायर को यहाँ से डीसोल्डरिंग करके नया वाला MCPCB को यहाँ पर लगा दूँगा जैसे ये हमारा लगा हुआ है। तो चलिए मैंने यहाँ पर नया वाला MCPCB को लगा के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने नया वाला MCPCB को इस LED बल्ब के साथ लगा लिया हूँ। तो ये LED बल्ब हमारा 9 वाट की था आप लोग देख सकते हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 9 वाट का ही MCPCB लगाया हूँ। तो इसीलिए आपका LED बल्ब जितना भी वाट का है आप उतना ही वाट का MCPCB लगाइए, उससे कम या फिर ज़्यादा वाट का MCPCB लगाते हैं तो वो आपके LED बल्ब के लिए ख़राब हो सकता है, या फिर वो MCPCB जल सकता है या फिर नहीं जल सकता है, या फिर MCPCB टोटली फ्यूज भी हो सकता है अगर कम वाट के MCPCB होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए बल्ब का वाट जितना होगा आप उतना ही वाट का MCPCB लगाइए। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमारा LED बल्ब रिपेयर हो गया है, तो चलिए अब हम यहाँ पर सीरीज मोड में लगा के इसको देखते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारा LED बल्ब अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्विच को ऑन कर लिया, तो देख लीजिए LED बल्ब हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। तो अभी मैंने ये डिफ्यूज़र को यहाँ पर लगा देता हूँ, तो देख लीजिए ये हमारा कितना अच्छा रोशनी दे रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप कोई भी 9 वाट LED बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करके ऑल पे दबा दीजिए ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए मैं रहता हूँ, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।